स्वागत है आप सभी का दिलीप टेलर्स बुटीक में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अटैच कॉलर मतलब कि हाई नेक ब्लाउज की सिलाई, जिसका कटिंग मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। सामने का पल्ला, पीछे का पल्ला आप ये देख सकते हैं। कपड़े पर हमने इसकी पूरी कटिंग कर ली है। किस प्रकार से इसकी सिलाई करनी है आज इस वीडियो में मैं पूरा बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले आप सभी को बता दूँ कि दिलीप टेलर्स बुटीक का जो मेगा सेल अभी चल रहा है दिवाली सीजन ऑफर का, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लगभग 30% तक की छूट आपको सभी पेपर कटिंग्स में अभी मिल रही है। डिस्प्ले पे नंबर है, जिन लोगों को कांटेक्ट करना है, जिनको पेपर कटिंग्स मंगाना है, कैश ऑन डिलीवरी पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक हमने कपड़ा लिया एक्स्ट्रा, जिस पे हम ये सामने पल्ले के लिए पट्टी की कटिंग करेंगे बेसिकली। तो ये बहुत ईजी होगा, इस तरह से आपको डबल फोल्ड कपड़ा रख लेना है क्योंकि हमें यहाँ पर पट्टी कटिंग करनी है। तो ये इस तरह से गले के शेप पर यहाँ पर हम इस प्रकार से बिछाएंगे। अब कपड़ा चूँकि सेम है तो आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर डायरेक्ट हम कटिंग कर सकते हैं, चाहे तो निशान भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कटिंग कर लें, अगर आपका हाथ जमा हुआ है कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इस तरह से काट लेना। और हमें यहाँ पर पट्टी जो कटिंग करनी है ना, वो 1 से 1.25 इंच की पट्टी ही हमको चाहिए, तो उससे ज़्यादा कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इस तरह से इतना चौड़ा आप काट लें और इस पट्टी को हम यहाँ पर यूज़ करें। अटैच कॉलर हाईनेक पैटर्न की ये सिलाई है, जिसका कटिंग मैंने कुछ दिन पहले बताया था। बहुत ही ईजी है और कुछ कुछ चीज़ें ही समझाऊँगा, कम्प्लीट पूरा बना के नहीं दिखाऊँगा। इसका मेन फ्रेम आपको बना करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। पीछे का पल्ला, सामने का पल्ला दोनों एक एक करके देखते हैं। चूँकि ये पीछे का पल्ला है तो इसमें डॉट वगैरह हम लगा लेते हैं, ये इस प्रकार से। अब पीछे दो डॉट लगते हैं तो दोनों डॉट हमको इस प्रकार से इसमें लगा लेना है, ठीक है। आगे आने वाली बहुत सारी वीडियोज़ में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे टिप्स देने वाला हूँ। स्पेशली इस वीक का जो लाइव सेशन रहेगा वो भी बहुत स्पेशल रहने वाला है, तो आप लाइव पर भी जुड़ सकते हैं। साथ ही दिलीप टेलर्स मोबाइल ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई सीखने को मिलेंगी। घर बैठे आपको सिलाई सीखने का मौका मिलेगा, तो प्ले स्टोर से दिलीप टेलर्स मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। जैसे ये पीछे पल्ले का हम डॉट लगाते हैं, ये देखो यहाँ से हम सेंटर से इसको फोल्ड कर देते हैं, सेंटर का यहाँ पे कट लगा देते हैं। अब ये पीछे पल्ले का काम हो गया। अब ये फ्रंट का पल्ला देखते हैं, इसमें पट्टी इसी में लगानी है। तो पहले हम क्या करेंगे, चाहें तो पट्टी को एक किनारे से इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम रखेंगे, किनारे किनारे इसको फोल्ड करना है। कोई भी आप पट्टी लगाते हैं ना, ठीक उसी तरह से लगाना है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ये देखिए इस तरह से इसको फोल्ड कर लेते हैं हम, और फोल्ड करने के बाद हम इसको अच्छे से लगा लेंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो गई, पट्टी का हमने कटिंग किया, पट्टी को किनारे से मोड़ लिए। अब बात आती है कि इस पट्टी को फिट कैसे करना है। तो पहले ये किनारे किनारे इस प्रकार से छांट लेना, बेहद ज़रूरी है इस प्रकार से छांटना, क्योंकि ये एक्स्ट्रा जो अनवांटेड कपड़े होते हैं ना, ये बाद में फिर डिस्टर्ब करते हैं, अच्छे से मुड़ता नहीं है। चाहे हम पाइपिंग की बात करें या पट्टियों की बात करें, तो ये इस प्रकार से सिलाई के बाद का एक्स्ट्रा कपड़ा इसीलिए छांटा जाता है ताकि वो जब हम फिनिशिंग से कोई काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पे वो डिस्टर्बेंस पैदा ना करें, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप लोग भी छांट सकते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें फिनिशिंग की होती हैं। अब ये हो गया, इसको फिट कैसे करना है, तो दो अलग अलग भागों में, सामने का पल्ला भी दो अलग अलग भागों में, ये डॉट का हिस्सा हो गया। अब चलिए देखते हैं सामने पल्ले में हमें एक्चुअल में क्या क्या करना है, ठीक है। तो पहले तो ये पट्टी ही हम अटैच करेंगे, ये इस तरह से रखना, ये देखिए, क्योंकि इसको हमने गले के हिसाब से रख के काटा है तो ये बिल्कुल बराबर बैठेगा, छोटा बड़ा होने का कोई दिक्कत है नहीं। ये इस तरह से हम इसको रखेंगे बराबर और सिलाई लगा करके इसको चिपका देंगे, ठीक है, ये ऐसे। अब यहाँ पे ये सिलाई लग गया, दूसरे पे आते हैं, दूसरे पे भी हमें उस पट्टी को रख करके सेम इसी तरह से सिलाई लगाना है। तो ये बहुत ईजी प्रोसेस है, बहुत ईजी काम है। जो लोग ब्लाउज़ स्टार्टिंग से बनाते आ रहे हैं आसानी से इस ब्लाउज़ को भी बना सकते हैं। थोड़ा सा आप अगर बिगिनिंग स्टेज से आगे निकल चुके हैं तो आप इसको बना सकते हैं, कोई बहुत विशेष काम नहीं। छोटे छोटे इस प्रकार से कट्स लगाएंगे, पलटाने के लिए ज़रूरी होते हैं, और ये कट्स लगा करके आप इसको आसानी से पलटा सकते हैं, ठीक है। जब ये हम कट्स नहीं लगाते हैं तो दिक्कत क्या आती है, पलटाने के वक्त ना चुन्नट वगैरह आ जाते हैं, खिंचाव आ जाता है, तो वो सब इससे नहीं आएगा। छोटा सा काम है, इसको कर लें कट्स लगाने का, और उसके बाद इसके ऊपर आपको सिलाई लगा लेना है, ठीक है। कुछ लोग इसको भी नहीं करते हैं तो ये ध्यान रखना, ऊपर इस प्रकार से पलटा के सिलाई लगा लेना, उसके बाद आप इसको ईजिली पलटा सकते हो पट्टी को पीछे की तरफ। तो ये सब छोटी छोटी बातें होती है जिसका आपको ध्यान रखना होता है। अब देखिए ये जो पट्टी है ना, और ये दोनों आपको ज्वाइंट करना है, तो कैसे ज्वाइंट करोगे, ये इस तरह से रखना और पहले इसको ज्वाइंट कर लेना, ठीक है। पहले ज्वाइंट करने का फ़ायदा क्या होगा, ज्वाइंट आपका अंदर ही दब जाएगा, ये भी एक फिनिशिंग ही है समझो, है ना। ये इस प्रकार से इसको ज्वाइंट कर लेना, ये आपका समझो शोल्डर ज्वाइंट, बीच से जो ज्वाइंट हम लगा रहे हैं इसको आप शोल्डर ज्वाइंट समझ सकते हैं। अब ये हो गया, हालांकि ये सेंटर ज्वाइंट है, ये इस प्रकार से हमने इसको जोड़ा, और जोड़ने के बाद ये देखें
ये ऐसे इसको पलटा लेना है ताकि ज्वाइंट यहाँ पे मोटा ना हो। और अब ये इस प्रकार से पलटाने के बाद ये पूरी पट्टी आपकी ऐसे पलट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मोटा नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। अब यहाँ पे हम इसको पूरा पलटा करके एक कच्चा सिलाई कर देते हैं, अगर आपको यहाँ पे तुरपाई करना है तो। अगर आप सिलाई ही लगाना चाहते हो तो फिर फिनिशिंग एक सिलाई लगा सकते हो, बाकी सजेशन ये रहेगा कि आप यहाँ पे तुरपाई करें तो वो ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है आप क्या करना चाहते हो, क्योंकि तुरपाई बहुत से लोगों को कंझट काम लगता है, थोड़ा सा उसमें समय ज़्यादा लगता है, तो इसलिए आजकल लोग तुरपाई को उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। बाकी ये आपकी चॉइस रहेगी। अब यहाँ पर अगर स्लीव लगाना है तो इस हिस्से पर स्लीव भी लग जाएगा अगर आप चाहें तो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगर आप स्लीव लगाना चाहते हैं इसमें स्लीव भी लग जाएगा, स्लीवलेस बनाना चाहते हैं स्लीवलेस भी बन जाएगा। तो ये वाला हिस्सा हमने तैयार कर दिया। मेन फ्रंट तैयार करने के लिए आपको इसी पट्टी का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट ब्लाउज़ नहीं है, बहुत इजी ब्लाउज़ है अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हैं तो। आर्म होल वाला शेप आप देख सकते हो, ये सामने हमने पूरा इसका राउंड शेप तैयार किया। अटैच कॉलर इसका नाम इसलिए दिया हमने क्योंकि इसमें ऐसा लगता है, इस हाई नेक पैटर्न को जब आप पहनेंगे तो कॉलर साथ में ही अटैच है क्या, इस तरह से आपको इसका पूरा लुक दिखेगा। ये मैं आप लोगों को पूरा यहाँ पे कंप्लीट एक ड्राफ्ट बना के भी दिखाऊंगा। हुकाई पट्टी तब तक से लगाते हैं। हुकाई पट्टी लगाने के बाद आपको इस ब्लाउज का एक सिंपल लुक मिल जाएगा कि किस तरह से इस ब्लाउज का लुक आने वाला है। तो ये हुकाई पट्टी लगाते हैं, बहुत ईजी है हुकाई पट्टी लगाना भी, जैसे आप नॉर्मल किसी भी ब्लाउजेज में लगाते हैं ठीक उसी तरीके से लगाना है। कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क आपको इसमें करने की ज़रूरत नहीं है आई पट्टी और हुक पट्टी के लिए, जैसे किसी भी आप ब्लाउज़ में लगाते हैं वैसे ही लगाना है, ठीक है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये एक सिंपल प्लेन ब्लाउज़ है, लाइनिंग वाला नहीं है। लाइनिंग वाले में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है क्योंकि उसमें आपको हुक आई पट्टी में भी मेहनत करना पड़ता है, अस्तर कपड़ा दोनों लगाना पड़ता है। लेकिन सादा में कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपली यहाँ पे काम होता है, बहुत ईजिली होता है। तो ये हमने आई की पट्टी को तैयार किया, ठीक इसी तरीके से हुक की पट्टी भी लगानी है। हुक की पट्टी तो और इससे इजी लगती है, इसमें आपको और भी कम मेहनत लगेगा। तो ये आई पट्टी हमने पहले तैयार किया है, इसके बाद हम आते हैं हुक पट्टी की तरफ। फ्रेंड्स आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा, दिलीप टेलर्स एंड बुटीक का जो मेगा सेल चल रहा है पेपर कटिंग्स का, उसका आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट आप लोगों को मिल रहा है, तो डिस्प्ले पे हमारा नंबर चल रहा है। जिन लोगों को भी पेपर कटिंग्स मंगाना है 30% तक की छूट है अभी दिवाली तक, तो आप लोग उसका फ़ायदा ज़रूर से लें। ये हुक पट्टी यहाँ पर हम अटैच करते हैं इस प्रकार से, और हुक पट्टी अटैच करने के बाद ना इस ब्लाउज़ का मैं आप लोगों को लुक दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इस ब्लाउज़ का लुक आएगा। बाकी रही बात साइड फिटिंग की या आस्तीन वगैरह फिटिंग की या बाकी सारी चीज़ों की, तो वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगा। बाकी ये जो पट्टी है ना, आप इसको इस तरह से अंदर फोल्ड करके ऊपर चढ़ाएंगे, इससे फिनिशिंग आएगी। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ध्यान रखने वाली बातें हैं, इन सब बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपके ब्लाउज़ में सिलाई में खास करके फिनिशिंग आएगी। और ये सब छोटी छोटी बातें आप ज़रूर ध्यान रखें, इसलिए ध्यान रखें क्योंकि फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सिलाई में फिनिशिंग नहीं लाएंगे ना, आपकी सिलाई की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। ये देखो, ये इस प्रकार से ये पट्टी पूरा हमने अटैच कर दिया। अब इसके ऊपर में आप यहाँ पे सिलाई लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों किनारों पर सिलाई लगा सकते हो, चाहो तो एक ही किनारे पर लगा सकते हो, वो आपकी चॉइस रहेगी। तुरपाई करना है तो तुरपाई के लिए भी छोड़ सकते हो, तो यहाँ तुरपाई के लिए छोड़ना है तो सेंटर पे एक सिलाई लगा के छोड़ दें, ठीक है। अब ये कच्चा है, अगर आप चाहें इसको बाद में खोल सकते हैं ये इस तरह से। तो ये हमने ब्लाउज़ पूरा का पूरा रेडी किया। अब यहाँ पे जो डॉट है ना, ये डॉट को लगा देते हैं, सामने का डॉट रहेगा ये। तो ये सिंगल डॉट पैटर्न का ब्लाउज़ है, अगर आप चाहें तो इसको दूसरे पैटर्न्स में भी बना सकते हैं, लाइक प्रिंसेस कट या फिर फोर डॉट बेल्ट में भी इसको बनाया जा सकता है, तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने सिंगल डॉट पे इसको इसलिए बताया ताकि आपको पैटर्न का ये जो डिज़ाइन का नमूना है वो समझ में आए। बाकी आप लोग जो भी इसको तैयार करना चाहेंगे, चाहे प्रिंसेस कट हो चाहे फोर डॉट बेल्ट हो, आप इसको आसानी से कर पाएंगे। और बहुत सारे डिज़ाइंस जो आप बनाना चाहते हैं, आपको डिज़ाइन तो समझ में आ जाता है लेकिन डिज़ाइन के साथ साथ ना फिटिंग की क्वालिटी भी आपकी उतनी ही अच्छी आनी चाहिए, तब उसका वैल्यू होता है। तो इन सब छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे। फ्रंट हमने तैयार किया, ये बैक पल्ला है। अब बैक और फ्रंट कैसे ज्वाइन करना है ये देखो, यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। सेंटर हमने यहाँ पर बना रखा है, ये है इसका सेंटर, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, ये सेंटर आपका यहाँ आएगा और इस प्रकार से सेंटर से फिक्स करते चलेंगे। तो फ्रंट पल्ला आपका इसी तरह से ज्वाइंट होगा, ठीक है। डायरेक्ट बैक पल्ले में जा कर के फ्रंट पल्ला आपका ज्वाइंट हो जाएगा और ये कंप्लीट इसका शोल्डर आएगा जो पैक है यहाँ से,
कम्प्लीटली हाई नेक का ये डिज़ाइन आएगा, ठीक है। और ये साइड से इस तरह से ये पूरा सिलाई हमने यहाँ पे अटैच कर दिया, और छोटे छोटे इस प्रकार से कट्स लगा लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पलटाने के लिए ये कट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, सिलाई को नहीं काटना है। इस तरह से कट्स लगाते हुए एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि आपको सिलाई का कट नहीं लगाना है, ठीक है। सिलाई के बाहर ही ये कट्स लगेंगे। और ये क्रीज़ वगैरह जो हम लगाते हैं, ये भी आप सीख सकते हैं अच्छे से कि इस तरह से क्रीज़ लगाया जाता है और इसका महत्व आप लोग समझें, ठीक है। ये देखो, इस प्रकार से हमने पूरा ये ब्लाउज़ तैयार किया, तो कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा ब्लाउज़ डिज़ाइन है। अगर आप इसकी सिलाई देखना चाहते थे, वेट कर रहे थे, तो ये वीडियो आप ही के लिए था। बहुत टाइम बाद इसकी सिलाई मैंने बताया है, थोड़ा सा बिज़ी शेड्यूल मेरा चल रहा था, तो उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को इस वीडियो को देखने में ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा होगा। 4 से 5 दिन के अंदर मैं बताया, थोड़ा सा लेट हुआ मेरी तरफ से, लेकिन कोई बात नहीं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।